हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ में जो पेंडुलम जो टॉपिक है फिजिक्स में, यानी मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर का, उसी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेंडुलम एक्चुअल में होता क्या है। सो पेंडुलम जो एक इंस्ट्रूमेंट था वो यूज होता था टू डिटेक्ट द टाइम। अगर आप देखो आज मॉडर्न एज टाइम में हमारे पास वॉचेस हैं जो कि एक पॉइंट के बाद मिली सेकेंड तक भी नाप सकती हैं और भी माइक्रो सेकंड तक भी नाप सकती है। बट इमेजिन दैट एरा जहाँ पे घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग तारों को या सूरज की पोजीशन को देख के टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। तो उस टाइम पे जो गेम्स होते होंगे या उस टाइम पे कैसे पता लगाते होंगे कौन तेज भाग रहा है, दो रेस हुई हो गई, बट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते होंगे। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वो एक पेंडुलम को रोटेट करते थे। ऑब्वियसली सारे पेंडुलम की लेंथ एक जैसी होती थी और हर बंदे के लिए एक पेंडुलम ऑसिलेट करता था। तो उन्हें पता चलता था, अच्छा ये बंदा 15 ऑसिलेशन में गया है, वो बंदा 10 ऑसिलेशन में गया है, वो बंदा 15.5 ऑसिलेशन में गया है। तो उसके बेसिस पे वो पता लगाते थे, जिसने जितने ज्यादा ऑसिलेशन लिए उसने उतना ज्यादा टाइम लिया। तो ऑसिलेशंस, पेंडुलम के ऑसिलेशंस टाइम को डिनोट करते थे या टाइम को नापने के लिए यूज हुआ करते थे। सो पेंडुलम इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज टू डिटेक्ट द टाइम। क्लियर? अब पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम में दो ही चीजें होती है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। वन इज योर बॉब, जिसे हम क्या कहते हैं बॉब, और वन इज योर थ्रेड। अब ये थ्रेड कोई भी हो सकता है, मेटालिक ले सकते हो, नॉर्मल थ्रेड ले सकते हो, मेटल का थ्रेड ले सकते हो, जो भी आपको लेना ले। अगर मैं इसी की बड़ी पिक्चर बनाऊं तो एक थ्रेड ऐसे आ रहा है और ये बॉब है, ठीक है, यार थोड़ा सा बड़ा बना देता है, और ये ऐसा आ रहा है और ये बॉब है। एक्चुअल में बोला जाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये, और बुक में भी यही लिखा होता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। बट अगर स्ट्रिंग बहुत लंबी है और बहुत छोटा सा है तो कंपैरेटिवली एक्चुअल में लेंथ ऑफ कहां तक आता है, सेंटर ऑफ द बॉब। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक्यूरेट वाला तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, मेरे साथ बोलो और उसे लिखा भी करो। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। अब मुझे एक बात सिंपल सी समझाओ, ये समझ में आया? अब एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए दो, फिर उसका 1 रुपए दो, तो आप अभी बोलोगे 1,000 करोड़ रुपए है। टेक्निकली तो ऑब्वियसली 1 रुपया बढ़ गया, बट वो ना के बराबर 1 रुपया बढ़ना, तो अभी भी आप 1,000 करोड़ के मालिक हो, ठीक है। अब इमेजिन करो ये चीज कि आपके पास एल है जो बहुत लंबा, उसमें आप आर ऐड कर रहे हो, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एल प्लस आर को बोलू तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, ये इसका सिंबल होता है अप्रोक्सीमेशन का। तो अप्रोक्सीमेटली हम एल, बट अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बहुत छोटी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, बहुत छोटी है, उस पर्टिकुलर केस में हम जो आर है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको उसको बताऊंगा। अभी जब हम लेंथ, मतलब एक बंदा है जो झूला होता सी ऐसा वाला, वो झूले में स्विंग कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो स्विंग कर रहा है, अगर वो खड़ा है तो कैसे स्विंग हो रहा होगा, और अगर वो बैठ जाए तो पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम देखेंगे। पहले ये बताओ, ये बात समझ में, अगर वो जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली आर के बहुत बराबर ही है, तो यू हैव टू टेक दिस लेंथ प्लस रेडियस, ठीक है, ओके। अब जो चीज आती है, दिस इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। अब कैसे लेंथ, इसमें की डायमेंशन लेंथ और मास, मास पे वो इंडिपेंडेंट है, इसका भी मैं रीजन बता दूंगा आपको, और ग्रेविटी पे किस तरीके से डिपेंडेंट है उसका रीजन। तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, तो अगर मैं पेंडुलम बना लू तो मान के चलते हैं ये पेंडुलम है, ये तो इसका स्विंग यहां तक लेते हैं, ठीक है, ये तो ये इसका स्विंग होगा, इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां। अगर मैं फिलहाल के लिए मानूं कि जितना एंगल वो यहां निकाल रहा है, जिस इज नोन एज थीटा, जैसे हम वैल्यू को एक्स मानते हैं, एंगल को थीटा मान रहे हैं, तो वही एंगल यहां भी होगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जितनी हाइट आपने यहां गेन करी उतनी हाइट वो यहां गेन करेगा, तो थीटा थीटा एंगल सेम है।
आगे चल के आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, इसको कहते हैं अभी फिलहाल अगर मैं इसे बनाऊं तो ये ऐसा कुछ है, एंड दिस इज कैसा लग रहा है, ये सर्कल, एक बहुत बड़े सर्कल का क्या है आर, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अगर ये सेंटर, अगर ये एक बहुत बड़े सर्कल का आर्क है, यानी बहुत बड़ा सर्कल है उसका ये पार्ट है, तो ये रेडियस कहला सकता हूं, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गया, और ये रेडियस और ये क्या है आर, और ये थीटा, तो यहां से फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू आर थीटा। अब इसको बताऊंगा, यानी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, और एंगल यहां पे रेडियन में होता है, आपने फंडामेंटल क्वांटिटी से पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है, सेवन फंडामेंटल के बाद एंगल और सॉलिड एंगल, तो एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन, तो यहां पे एंगल रेडियन है, तो रेडियस इनटू रेडियन कर दो तो आर्क लेंथ आ जाएगी। अभी बताऊंगा क्यों, वही आर्क लेंथ ये होगी, वही आर्क लेंथ ये है, वही आर्क लेंथ ये है, वही आर्क लेंथ ये है, ठीक है, कितनी बात समझे। अब इमेजिन 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 ये बना लेना, मैंने आर्क लेंथ मतलब हमने पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दी, तो अब मुझे बताओ पेंडुलम एंगल तो नहीं बढ़ा, एस इक्वल्स टू आर थीटा था ना, एस यानी एस आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ रेडियस पे डिपेंड करती है और थीटा पे, एंगल तो अभी भी थीटा ही है, देखो ध्यान से, बट रेडियस यानी लेंथ, तो लेंथ तो बढ़ गई, अगर लेंथ बढ़ी तो आर्क भी बढ़ गया, ये आर्क बढ़ गया, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑब्वियसली नीचे वाला बड़ा है, तो आर्क लेंथ बढ़ रही है, जब लेंथ बढ़ रही है तो पेंडुलम को अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है जितना वो पहले कर रहा था जब लेंथ छोटी थी। अभी कैसे होता है, क्या होता है, वो हम अभी इसको पढ़ेंगे, पहले इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं भैया, अगर लेंथ बढ़ा रहा हूं, लेंथ बढ़ रही है तो उसकी स्विंग की लेंथ भी तो बढ़ रही है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड, और वो डिपेंड कर रहा है कि जितनी आपने लेंथ बढ़ाई। अब तो मैं कह रहा हूं लेंथ यानी उसकी लेंथ बढ़ाने पे स्विंगिंग का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, स्विंगिंग का डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियसली टाइम भी बढ़ेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, स्पीड कैसे कांस्टेंट है वो उसकी बात करेंगे, तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है, तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी टाइम पीरियड सॉरी 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 टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अब आप बात करते हैं ग्रेविटी, अब ध्यान से देखना इस ग्रेविटी वाले सीन को, जब ग्रेविटी, जब पेंडुलम हवा में जाता है तो वो कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, वेट ऑटोमेटिकली नीचे एक्ट करता है, एम जी, वेट का फॉर्मूला, वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां पे कौन रोल प्ले करता है, ग्रेविटी। तो अगर मैं कहूं कि इसका एक टेंशन हो रहा होगा, तो टेंशन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं कहूं ये भी थीटा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप देख पा रहे हो, ये लाइन सीधी थी, ये वेट भी सीधा था, और इसको एक लाइन कट कर रही है, तो थीटा अगर यहां है तो थीटा यहां भी होगा, आप आया समझ में, तो दिस इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एम जी का एक कंपोनेंट निकलता है जिसे हम बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री अभी आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ा अभी ब्रीफ दूंगा, और ये जो कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा कहते हैं, क्यों कहते हैं जरा समझते हैं। तो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे उसमें एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है, ट्राइंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, उससे थोड़ा समझ में और बेहतर आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूज, तो सबको पता होगा, आपने क्लास 8 पास करिए पाइथागोरस पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें एक एंगल मानना पड़ता है, तो आपने मान लेते हैं थीटा माना, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, या जो भी और तरीके भी हैं जिनसे आप याद करना चाहते हो आप याद कर लो, ठीक है।
तो अभी फिलहाल आप समझो यही ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूं, तो एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, और एक हम यहां मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका रीजन समझाता हूं। एक्चुअल में ये यहां पे तो नहीं है, ये तो यहां ही है यहां पे, बट अगर मैं यहां बनाता हूं तो यहां से मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, एंगल ये रखी ठीक है। अब ये मेरे पास पता है एम जी, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने वाला बेस, तो इसको हम अज्यूम करते हैं यहां जिससे क्लोज ट्रायंगल बने और ट्रिग्नोमेट्री में इसमें अप्लाई कर सकूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा लिखा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखा एम जी, एम जी को यहां फेंक के मारो, एम जी साइन थीटा क्या आ गया परपेंडिकुलर, और ऐसे कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम हाइपोटेन्यूज की जगह एम जी, तो एम जी को यहां ले जाओ एम जी cos थीटा बेस, तो देखो जान से बेस की जगह पे mg cos थीटा और इसकी जगह पे mg sin थीटा। अगर समझ में नहीं आया तो इतना फिलहाल समझ लो, थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर यानी mg cos थीटा के परपेंडिकुलर होता है mg sin थीटा। ओके, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो एक फोर्स अगर कोई एंगल पे पड़ता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये 90 डिग्री जो बनाता है इसे कहते हैं वर्टिकल, क्योंकि वो इसके साथ, इसके साथ कैसा एंगल बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखो ये mg cos थीटा तो टेंशन के साथ बैलेंस हो गया, यानी जो रस्सी में टेंशन ला रहा होगा दैट इज mg cos थीटा। अब अगर आप 10th क्लास में टॉपिक पढ़ोगे विच इज नोन एज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जो mg cos थीटा है ये जो बॉडी खुद लगा रही है इसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और ये बनता है आपका सेंट्रीपिटल जो कि अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रीपिटल और दिस इज सेंट्रीफ्यूगल, 10 में पढ़ोगे, अभी फिलहाल जानो कि ये और ये बैलेंस है, क्लियर। अब अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, और ये ज्यादा होता नहीं है, ये इसके बराबर ही होता है। अब mg sin थीटा बॉडी को नीचे लाता होगा, तो दिस इज अ फोर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फोर्स, तो फोर्स किसी भी बॉडी पे लगती है तो इट गिव यू एक्सीलरेशन, फोर्स कितनी है mg sin थीटा, मास से मास कट गया तो g sin थीटा एक्चुअल में क्या है एक्सीलरेशन। तो अब मुझे बताओ फोर्स जब लगाते हैं किसी भी मास की बॉडी पर, यहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, उसका खुद का वेट, फोर्स कौन लगा रहा है, उसका खुद का वेट, तो वेट को जब मास से डिवाइड करोगे इट गिव्स यू एक्सीलरेशन, तो मास तो चला गया ना, तो पेंडुलम का मास क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड में रोल प्ले करता है, तो नहीं करता, वो रोल प्ले नहीं करता, इतनी बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ g sin थीटा है जो बॉडी को फेवर में लाएगा, नीचे आएगा। अब बहुत ध्यान समझना, यानी मास इंडिपेंडेंट है, मास आप बॉब को मास बड़ा ले लो छोटा ले लो फर्क नहीं पड़ता, आप रस्सी जरूर टूट सकती है बट फर्क नहीं पड़ेगा पेंडुलम पे। अगर मैं कहूं कि मैंने 10 किलो का यहां से छोड़ा वो भी वही लेगा, और मैंने 1 किलो का छोड़ा वो भी वही टाइम पे लेगा, क्योंकि दोनों को खींचने वाला या दोनों को एक्सेलरेट करने वाला यानी दोनों की वेलोसिटी बढ़ाने वाला एक ही कंपोनेंट है g sin थीटा, क्योंकि मास से मास डिवाइड हो भाई उसको भी तो mg sin थीटा लगेगा। अब फोर्स क्या प्रोवाइड करती है किसी मास की बॉडी को, एक्सेलरेशन, क्योंकि मास से मास तो कट जाता है, तो इट ओनली गिव्स एक्सेलरेशन टू द बॉडी, तो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, बिकॉज उसका खुद का मास यानी उसका खुद का वेट उसी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी सर बेटा। अब ग्रेविटी है, इमेजिन ग्रेविटी बहुत तेज एक्ट कर रही है, इसमें बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है, तो फटाक से नहीं खींचेगा नीचे, भाई ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो अगर हम कहे कोई ऊपर चीज देखिए ग्रेविटी बहुत जोर से खींच रही है फटाक नीचे खींच लेगी, आपको ग्रेविटी बढ़ जाए तो आप मुश्किल से चलोगे, सो ग्रेविटी फटाफट उसे नीचे खींचने में लगी पड़ी है, तो ग्रेविटी अगर तेज होगी या ज्यादा होगी तो जल्दी आएगा। अब क्योंकि यहां पे आ गया तो मोमेंटम मिला तो रुकेगा नहीं, वो ऊपर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, कि भाई काइनेटिक एनर्जी मिली तो काइनेटिक पोटेंशियल, वो जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी फिर से खींचेगी। अब इमेजिन करो ग्रेविटी स्लो हुई तो आराम से आएगा, आराम से जाएगा, फिर आराम से आएगा, ग्रेविटी फास्ट हो जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, तो ग्रेविटी होने से, तेज होने से वो फटाफट मूव कर रहा है, यानी उसे कम टाइम लग रहा है, और ग्रेविटी के ज्यादा होने से उसका ज्यादा टाइम लग रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू कम होने से उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप बताओ फटाफट कमेंट में,
ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां लिख देते हैं टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास, ओ मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर हूं अंडर रूट भी लाऊंगा। ठीक है, तो मास ये हो गया मीटर और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, चलो इतनी बात समझ में। और पर सेकंड स्क्वायर ऊपर भी चला जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो ये भी आ गया समझ में। बट टाइम की यूनिट सेकंड स्क्वायर थोड़ी होती है, सेकंड होती है। टाइम की यूनिट सेकंड स्क्वायर नहीं होती, सेकंड होती है। तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे को अंडर रूट में डालना होगा, क्योंकि अगर ये अंडर रूट में होता तो ये सेकंड ही बाहर देता। अंडर रूट में अगर सेकंड स्क्वायर होता तो वो सेकंड ही बाहर देता। समझ में आई बात, ये नहीं है। सो अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने ये वाली बात को अंडर रूट में डाला होता तो ये चीज कुछ ऐसी आती। तो मैं बोलता हूं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम जी एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ये बात समझ में, अभी तक मैंने ये बात नहीं बोली थी क्योंकि मैंने सिंपल बताया था वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। बट रूट में क्यों है उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अगर आप नॉर्मली यूनिट्स लिख के काटते हो तो सेकंड स्क्वायर आता है, बट उसी चीज को अगर आप अंडर रूट में लेके काटते हो तो सेकंड आता है, विच इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो आप सही निकाल रहे, टाइम को सेकंड स्क्वायर में नहीं नापते, सेकंड में नापते हैं, इसलिए हम अंडर रूट लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर पाए होंगे। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स दोज हू आर इन नीड, और जिनको इस चैप्टर बहुत आराम से समझने की जरूरत है। सो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आओ। गॉड ब्लेस यू बच्चों, फटाफट नोट करो। 2π कब एक्सपेरिमेंट से किससे आती है, एक्सपेरिमेंट से, तब जाकर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बना। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई ग्रेविटी से इनवर्सली क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ाएगा, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, पहली बात ये समझ में आए। दूसरी बात टाइम, तो यहाँ आपने देखा भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी यानी इतना ज्यादा रेडियस हो उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ, लेंथ घटाओ टाइम घटेगा। ये बात समझ आ गई? अब हमने कहा भैया लेंथ के डायरेक्टली ग्रेविटी के, तुमने कहा मीटर पर, ये मीटर है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर तो यूनिट सेकंड स्क्वायर आनी चाहिए, वो टाइम की नहीं होती। तो हमने बोला भैया क्या करें, सेकंड स्क्वायर को सेकंड कैसे बनाए, तो हमने कहा समझ डाल को डाल दो, क्योंकि मीटर से मीटर तो कैंसिल हो ही जाएगा, सेकंड स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, सिर्फ सेकंड। समझना, इसलिए इन्होंने इसे क्या करा अंडर रूट में। ये कोई नहीं पढ़ाता भाई नाइन्थ क्लास में, मैं गारंटी लेता हूँ किसी ने, क्योंकि ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट डायमेंशन के बेसिस पर आता है जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये क्लास 11th में है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कोई कॉन्स्टेंट आता है, कोई भी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करा, जब देखा भाई एक्सपेरिमेंट में लेंथ इतनी रखी, ग्रेविटी इतनी रखी, अंडर रूट में डाली, तो ना यार टाइम पीरियड तो सही नहीं आ रहा। उनने कहा एक्चुअल में जो टाइम पीरियड आ रहा है वो निकालो, और फॉर्मूले से जो टाइम पीरियड आ रहा है वो निकालो, दोनों को डिवाइड करा, तो हर बार वैल्यू ट्वाइस ऑफ 2π है, 2 × 3.14 2π की वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा भैया इसकी जगह क्या वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू है, उन्होंने फिर वो उसकी वैल्यू। समझ में आया नहीं है? तो ये तो फॉर्मूला है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सर। तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत? तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है आपका, एक्सपेरिमेंटेशन या उसके लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज हम इसमें समझते हैं कि भैया टाइम पीरियड अभी भी गौर देना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बॉब का, हम एक ऑसिलेशन नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक ऑसिलेशन निकालते हो तो बहुत कम टाइम का ड्यूरेशन होता है आपका, और जितना कम ड्यूरेशन होगा उतने चांसेस बढ़ जाते हैं एरर होने के।
उतने चांसेस क्या होते हैं? तो आप क्या करना, पांच ऑसिलेशन का एक साथ निकाल लेना। इमेजिन करो आपको मैं बोल दूं पेंडुलम का निकालो, इतना छोटा सा पेंडुलम लिया है वो तो फटफट हो जाएगा एक सेकंड से भी कम। तो अब एक सेकंड से कम तुम कैसे घड़ी में नापोगे? नॉर्मल घड़ी दे दूंगा तुम्हें, कहो सर इसका तो लीस्ट काउंटिंग 1 सेकंड है, आप क्या चाहते हो इसे 0.7 सेकंड निकाल दो पहले है, ये स्क्रू गेज छोड़िए 0 point something में देगा तो ये तो नहीं निकाल पाएंगे। मतलब स्क्रू गेज जैसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ये वगैरह है सर को ये ना पता स्क्रू गेज में तो लेंथ कब है टाइम क्या। अगर वैसे स्क्रू गेज वाला कोई आता है जो पॉइंट में निकाले स्टॉप वॉच होती है, बट वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है तो वो। बट क्या मैं ये तो कर सकता हूँ कि पांच ऑसिलेशन नाप लूं नॉर्मल वॉच से, पांच ऑसिलेशन नॉर्मल वॉच से नाप जाएंगे। मान लो पांच ऑसिलेशन 3 सेकंड में आए, पांच ऑसिलेशन 3 सेकंड में आए, 3 सेकंड तो 1 ऑसिलेशन कितना हो जाए 3/5 तो वहां से 0.6 सेकंड। अब बता के दिखाओ जरा 0.6 सेकंड निकाल के दिखाना नॉर्मल घड़ी से निकलेगा ही नहीं। बट ये वाली रीडिंग को तुम निकाल सकते हो नॉर्मल से, ठीक है? और एक्यूरेट से सबसे बेस्ट है 10 ऑसिलेशन निकालो, 10 ऑसिलेशन निकालो, मान लो 10 ऑसिलेशन के 7 सेकंड लगे, 7/10 0.7 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? yes, sir. कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर, कोई डाउट था आपको? yes, sir. हाँ बोलो सर, आप एक्सप्लेन कर देंगे k की वैल्यू कैसे आती है? k की वैल्यू देखो एक्सपेरिमेंट से मैं समझाता हूँ। मान लो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये मेरे को क्या फॉर्मूला मिला कि लेंथ और ग्रेविटी अंडर रूट के अंदर है, ये मुझे पता चल गया। तो मैंने लेंथ नाप ली, भाई लेंथ कितनी है मेरी 1 मीटर, मैंने ग्रेविटी मुझे पता है 9.8, मैंने 9.8 डाल दी, अंडर रूट में डाला, मेरे को टाइम पीरियड मिल गया थ्योरेटिकली। टाइम पीरियड क्या मिला? थ्योरेटिकली। अब मैंने उस थ्योरेटिकल टाइम पीरियड को असली के टाइम पीरियड से मैच करा, स्टॉपवॉच से देखा भाई लेंथ इतनी नाप दी और ग्रेविटी मुझे पता ही है, मैंने छोड़ा तो ऑसिलेशन हो गया मुझे पास आया, मैंने टाइम पीरियड नोट कर लिया। बट मैंने देखा है मेरा टाइम पीरियड जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भाई टाइम पीरियड जो एक्चुअल है उसको एक्सपेरिमेंटेशन या थ्योरेटिकल वाला जो टाइम पीरियड उससे डिवाइड करो भाई। तो एक्चुअल में तो ओरिजिनल वाला टाइम पीरियड आया, थ्योरेटिकल में के वैल्यू आई, जब इनको आप डिवाइड करते तो वहां पे क्या किसकी वैल्यू आती है? अब वो वैल्यू किस कांस्टेंट के ज्यादा क्लोजर कैसे? तो पता चला कि वो ट्वाइस ऑफ पाई की वैल्यू है, 3.14 के दुगनी वैल्यू है, इसलिए k की जगह पे क्या रखा गया? 2 पाई। समझे? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन से आता, कोई पूछेगा भी नहीं बच्चे आपसे, बट आपको पता होना चाहिए क्यों आई गई। देखो अब जैसे मैं फोर्स का फॉर्मूला बताऊं, फोर्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होते हैं, फिर आप पढ़ोगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सीलरेशन से, फिर दोनों को एक साथ लिख दो किसके ऐसे लिखी जाती है, इसे हटाओ k आता है। अब यहाँ पे k की वैल्यू पता कितनी निकल जाती है एक्सपेरिमेंट से बताओ? 1। कितनी आती है k की वैल्यू? टाइम पीरियड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? 4 लेंथ एंड ग्रेविटी। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, अच्छा एक पेंडुलम और बताना भूल गया, विच इज नोन एज सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ आती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ वो आते हैं 1 मीटर। अगर हम नॉर्मली कर ले भाई, हमने टाइम पीरियड क्या बताया? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2√L/g है। यस सर। और लेंथ का अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो ये 4π² हो जाएगा। यस सर। और ये log हो जाएगा। ये स्क्वायरिंग क्यों करी? क्योंकि मुझे अंडर रूट से l हटाना था। यस सर। स्क्वायरिंग क्यों करी? अंडर रूट से। तो ये t² हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4π का स्क्वायर, वैसे l और g अंडर रूट से हट गए। जी को यहाँ फेंक के मारो, t²g ऊपर चला गया, 4π² नीचे आया, ये किसकी वैल्यू हो गई? L क्या है? t²g अपॉन 4π² L=t² में क्या था? 2 का स्क्वायर है ना। जी क्या होता है? 9.8 और 4 × 3.14 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 9.8 / 4 × 3.14 का स्क्वायर है ना ये। यस सर। तो 4 से वो कट गया, लेंथ क्या है? 9.8 / 3.14 का स्क्वायर। ओके, वैल्यू आ रही है 0.9939। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ नहीं कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 मीटर ही आ रही है अप्रोक्सीमेटली। गाइस अगर 3 डेसिमल प्लेस पे करोगे तो 994 मीटर, फिर 1 प्लेस तो वैसे ही 1 मीटर आएगा।
तो अप्रोक्सीमेटली क्या है लेंथ? सर 1 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, और हम उसका टाइम पीरियड कितना होता है ये आपको नोट रखना है। क्लियर है? यस सर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये होंगे, व्हाट हैपेंड टू इट्स टाइम पीरियड? क्या होगा? व्हाट हैपेंड टू इट्स टाइम पीरियड इफ लेंथ बिकम डबल? यस। लेंथ क्या होगी? डबल। तो टाइम पीरियड हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, लेंथ एल थी, बट उन्होंने एल नहीं बोली, उन्होंने क्या बोला? लेंथ कितनी हो गई है? 2L। तो 2L, तो लेंथ नहीं होगी तो टाइम पीरियड भी नहीं आओगे। भाई मैंने क्या बताया, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और ग्रेविटी। तो अब टाइम पीरियड भी नहीं आओगे, 2 पाई अंडर रूट एल वन बाय जी। देखो जी को तो वही रखा बट एल को एल वन करते क्योंकि लेंथ डबल हुई है, ग्रेविटी में कुछ इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी वही है। सही है? अब अगर मैं कहूँ टी वन इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू क्या थी? 2L बाय जी। अब ये रूट 2L को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ एल यहाँ से रूट 2 का भाग ले लिया अलग से, रूट में 2L हो जाएगा अलग अलग। मैंने बस इसे अलग ही तो लिखा है क्योंकि ये मुझे अलग बनाना था, ये मेरा क्या है अलग पुराना वाला टाइम। तो टी वन क्या है? पुराने वाले टाइम का रूट 2 टाइम्स। ये बात समझ में ही नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर लेंथ डबल हो रही है तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा, वो उसका रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। मैंने जो भी पुराना टाइम पीरियड है उसमें कितना मल्टीप्लाई करूं? रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में करा होगा ना, रैशनल नंबर स्क्वायर रूट में निकाला होगा, तो 1.414 आती है वैल्यू। वो मल्टीप्लाई करते हैं ना जो भी टाइम पीरियड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहता है कि भैया लेंथ 4 टाइम्स कर दो या तिगुनी कर दो। तो अगर लेंथ तिगुनी होगी तो क्या होगा? देखो t को जो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g तो होगा ही होगा। आपके पास लेंथ क्या कर दी? 3 टाइम्स। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट l1 अपॉन g, यही होगा। t1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 3l अपॉन g, फिर t1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g और रूट 3 बगल में, और t1 क्या आएगा? t रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूँ? देखो दुगनी हुई तो रूट 2, तीन हुई तो रूट 3, चौगुनी होती तो रूट 4 होता, पांच गुनी होती तो रूट 5। तो अगर मैं कह दूं इफ लेंथ बिकम n टाइम्स, कितने टाइम्स? n टाइम्स, टाइम पीरियड बिकम t इंटू रूट n। गलत तो नहीं कह रहा? जितने टाइम उतने मल्टीप्लाई करो। तो आप देखो बड़े मजा से, अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 4 गुना हो गया तो टी इंटू रूट 4 और रूट 4 का हम क्या लिख सकते हैं? 2। माइनस का 2 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो टी इंटू 2। अगर मैं कहूँ टाइम पीरियड बिकम 5 गुना, अगर मैं कहूँ टाइम बिकम 6 गुना और लेंथ बिकम 6 गुना, तो रूट 6 टाइम, टाइम बिकम 7 गुना टी रूट 7, टाइम बिकम 8 गुना। अब देखो 8 गुने को क्या लिख सकते हैं? रुक जाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना, तो 2 से 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट 2 इंटू टी। तो ये कुछ भी टाइम्स में आपको दे सकता हूँ, आप सबका निकाल सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अगर मैंने लेंथ को बोला n टाइम्स कर दो तो टाइम पीरियड भी रूट n टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आया? सॉरी करो सर, अगर ये डिजिट बड़ी होगी जैसे 8 है वैसे 12 टाइम हो जाएगा सर, रूट की तरफ सॉल्व करके मान ले। हां बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने मान लो अगर ये 20 टाइम्स होता, 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, तो 2√5। कैसे करी ये मत पूछना, ये मतलब अर्थ को दुगना बना दिया कैसे करी वो नहीं है। अब इमेजिन करो कर दी कोई ऐसे प्लैनेट पे गए जहां पे ग्रेविटी डबल हो गई, तो अगर मैं मान के चलूं ग्रेविटी क्या हो चुकी है, ये हमारा नॉर्मल था है ना, बट नई ग्रेविटी पुरानी वाली ग्रेविटी की कितनी है? भाई टाइम पीरियड भी बदलेगा, सिंपल सीधी बात है। यस सर जीवन, तो अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूं तो ये कितना आएगा? जी मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 / √l / g / 1 / √2।
भाई ऊपर तो वन ही रहेगा ना, नीचे जो टू निकलेगा रूट से वो तो ऐसे जाएगा ना बार। तो ये टाइम पीरियड क्या हुआ, टी इंटू वन बाय रूट टू, जिसे हम लिख सकते हैं टी बाय रूट टू। तो टी वन एक्चुअली क्या है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टी को क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बोलू ये वाली बात, इफ ग्रेविटी बिकम m टाइम्स ले लेते हैं, तो n इसे m टाइम्स, then टाइम पीरियड बिकम t into 1 upon root m, ठीक है? Yes sir. अब इतनी बात समझ में ये नहीं है। Yes sir. अब ध्यान है वर्ड समझना, मैं क्या बोलने वाला हूँ ये बात आप। मान लो अब कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो इन दोनों कंबाइन में ये बोल सकता हूँ कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो पुराने वाले टाइम पीरियड के m अपॉन n होगा, सॉरी n अपॉन m होगा, वेयर n इज टाइम्स ऑफ लेंथ और m इज टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा पूछ रहा हूँ। मैंने बोला जो लेंथ है वो दुगनी कर दी और ग्रेविटी हाफ कर दी, लेंथ क्या कर दी दुगनी और ग्रेविटी क्या कर दी हाफ। अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना, लेंथ क्या कर दी दुगनी ट्वाइस कर दी और ग्रेविटी को क्या कर दी वन बाई टू, ये ट्रिपल जीत जो जाएगा अल्टीमेटली। यस सर। तो मैं अगर कर दूं टी इनटू रूट टू इनटू टू रूट टू पेयर बन गया, तो एक्चुअल में क्या होगा ट्वाइस। तो अगर लेंथ डबल होती है और ग्रेविटी क्या होती है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है दुगना। समझे? Yes sir. अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट बताओ, बताओ अपनी तरफ से सोचो क्या करूं, लेंथ क्या करूं बताओ, तुम बताओ साफ कर दे, तुम बताओ क्या करना है। ट्वाइस चलो 20 times, तो एल हो गया 20 times, तो टी इंटू रूट 20। अब बताओ ग्रेविटी को क्या करें, चलो हाफ कर दिया, तो ये 1/2 पर चला गया। Yes sir. तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5 into 2, ये आएगा। Yes, इसका तो पेयर बन गया टी इंटू टू रूट फाइव टू जब बच गया ना। Yes, sir. तो समझ में आया नहीं है? Yes, sir. इतना सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir.